एक जराए से मिली इतला पर बतारीख 15 नवंबर की अव्वलीन सातों में स्पेशल ऑपरेशन टीम एलबी नगर जोन और मामिडी पल्ली पुलिस के बाहमी इश्तराक से गैर कानूनी तरीके से बड़े पैमाने पर ड्रग्स की तस्करी करने वाले गैंग के 3 मेंबर्स को कर लिया गया गिरफ्तार और उनके कब्जे से तकरीबन 1,240 किलोग्राम गांजा, एक इनोवा कार, एक टाटा एस कार और इंडिका कार, 2 मोबाइल फोन्स और 5,000 रुपए की नकद रकम को भी जब्त कर लिया गया, जिनकी जुमला मालियत 2,08,05,000 रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार शुदा मुलजिमिन के नाम संतोष उर्फ सनी, सुगुरु व्यासुदेवा उर्फ वासु, पूनम राजेश्वर है, जबकि इस गैंग के मजीद 3 मुलजमीन अभी तक मफरूर बताए जा रहे हैं। मफरूर मुलजमीन के नाम शेख यासीन, रविंद्र और मांदा मधु है। वाज रहे नाजरीन के पिछले कई दिनों से तेलंगाना रियासत को गांजा फ्री रियासत बनाने की गर्ज से तेलंगाना पुलिस की जानिब से चारों कमिश्नरेट के तहत इंतहाई सख्ती से तमाम गाड़ियों की तलाशी मुहिम, कार्डन एंड सर्च जैसे प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इसी जमन में अब तक कई मुलजिमान की गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई है। इसी जमन में इस गैंग का भी पर्दाफाश किया गया। आइए जानते हैं इस केस से जुड़ी मजीद तफसीलात रचाकुंडा कमिश्नर ऑफ पुलिस महेश भगवत आईपीएस की जबानी। मजीद ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। विशाखापट्टनम सिलेरू एजेंसी एरिया से महाराष्ट्र के मुंबई जो गांजा का सप्लाई हो रहा है, उस रैकेट का हमने आज भंडाफोड़ किया है। ये रैकेट जो है स्पेशली वहां एजेंसी एरिया से, इससे पहले जो पुराना ट्रैवल एजेंसी चलाते थे हैदराबाद से, वो लोग उसमें हमें शेख यासीन अलियास फिरोज नाम का जो शख्स ये पूरा चला रहा है उसके बारे में पता चला। और आज सुबह यहां मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन, हमारे राजकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के वहां पे बोडोपल एरिया में हमने एक टाटा टोयोटा इनोवा व्हीकल पहले इंटरसेप्ट किया और वहां उसमें हमें गांजा मिलने के बाद वो लोगों के क्वेश्चनिंग पे 2 और व्हीकल, एक टाटा एस व्हीकल क्लोज और एक टाटा इंडिका व्हीकल, ये 3 व्हीकल जिसमें हमें तकरीबन 1230 केजी, 1230 केजी गांजा इसमें पैकेट में मिला और 10 केजी लूज, टोटल 1240 केजी गांजा मार्केट में 15,000 रुपए केजी से 1 केजी बेचा जाता है। और उसके साथ ये 3 व्हीकल भी हमने सीज किए और तकरीबन 2,08,05,000 का माल हमने सीज करके 3 लोगों को हमने हिरासत में लिया है। उसमें एक तैनेरू संतोष बोल के एक ड्राइवर है जो यहां पे गैरेज चला रहा है, सुगुरु वासुदेव रेड्डी, वो गैरेज में भी माल रख रहे अलियास सुगुरु वासुदेव रेड्डी अलियास वासु बोडुपल एरिया, और उसका उसके गैरेज में काम करने वाला पूर्णम राजेश्वर जो उसको ये धंधे में मदद कर रहा है, ये तीनों को हमने अभी हिरासत में लिया है। इस रैकेट का जो मुख्य सूत्रधार है शेख यासीन अलियास फिरोज, वो अभी भी फरार है और उसके साथ 2 और ड्राइवर चिंचू रविंदर और मंदा मधु, ये दोनों भी फरार है। तो टोटल 3 लोगों को अभी हमारी तलाश अभी